नमस्कार मित्रों, सबसे पहले मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब शुरुआत करते हैं खबरें, देखते रहे टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। बिहार के मधेपुरा लोकसभा से 4 बार, मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2 बार, उत्तर प्रदेश के बदायूं से 1 बार व राज्यसभा से 3 बार सांसद रहे शरद यादव जी का हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम स्थित पैतृक गांव लाया गया, जहां पर देश के विभिन्न नेताओं का उनके अंतिम दर्शन के लिए तांता लगा रहा, जिसके बाद शरद यादव के पार्थिव शरीर को उनके बेटे शांतनु और बेटी सुभाषिनी ने मुखाग्नि दी। वहीं गाजियाबाद के समाज सेवी संजू गौतम ने भी शरद यादव जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। क्या कुछ और कहा मीडिया से बातचीत में संजू गौतम ने, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, शरद यादव जी समाजवादी विचारधाराओं के नेता थे। यादव जी राम मनोहर लोहिया के विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और कई विभिन्न जगहों से लोकसभा चुनाव जीतकर लोकसभा पहुँचे थे। मैं संजू गौतम, समाज सेवी, ऐसे समाजवादी विचारधाराओं के प्रतीक श्री शरद यादव जी को हृदय की गहराई से नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी कठिन घड़ी में ईश्वर उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे।